गाइस बबल पे स्टार्ट हो चुकी है राखी स्पेशल सेल और इसमें बहुत सारे ब्रांड पे बहुत अच्छी अच्छी ऑफर है। तो आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए अपने राखी के लिए या फिर कोई भी एसेंशियल आइटम चाहिए तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो, साथ में कूपन कोड भी, तो आप जरूर देखना। और आज इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्रोडक्ट दिखाने वाली हूँ सब में बहुत अच्छी सेल चल रही है, तो डेफिनेटली आप एक बार चेकआउट जरूर कर लेना आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 आउटफिट्स एंड मेकअप का लुक कि उस आउटफिट में मैंने किस तरह का मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो मेकअप स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज अपने फेस को अच्छे से क्लीन करना होता है, या तो आप स्क्रब कर लो या फिर पीलो मास्क लगा लो या फिर वाइन पीलिंग जेन अप्लाई कर लो, लेकिन अपने फेस को क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा फ्लॉलेस मेकअप लुक के लिए और जो लॉन्ग लास्टिंग हो और आपके फेस पे बिल्कुल भी केकी ना हो, उसके लिए अपने फेस को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने यहाँ पे ममा अर्थ का उपटन फेस स्क्रब यूज़ किया है, काफ़ी अच्छा स्क्रब है और मेरे बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो स्क्रब करने के बाद स्किन क्लीन हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्रीन टी टोनर, और आफ्टर फेस वॉश या फिर स्क्रब आपको टोनर जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसकी आपके स्किन का पीएच लेवल कंट्रोल होता है, आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाती है एंड साथ ही आपके पोर को मिनिमाइज करता है। तो टोनर अप्लाई करने के कुछ टाइम के बाद अब हम इसमें अप्लाई करेंगे फेशियल सीरम। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एज डिफाइनिंग सीरम, इसमें विटामिन सी भी है 20%, तो काफ़ी अच्छी सीरम है ये। पर्पल के जो भी सीरम आते हैं उसमें से 2 दिन सीरम है मेरे पास, 24 कैरेट वगैरह, बहुत अच्छे सीरम होते हैं ये। और उसके बाद मैं अप्लाई करूँगी प्राइमर जहाँ जहाँ पे आपके जो ओपन पोर्स है या फिर आपकी स्किन अनइवन है या फिर थोड़ी ड्राइनेस है वहाँ वहाँ पे आपको ज़रूर प्राइमर अप्लाई करनी चाहिए। एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ फेसेस कैनेडा की फाउंडेशन, ये वेटलेस मूज फाउंडेशन है, बहुत ही लाइट है, हल्की फिनिश है और मुझे ऐसी ही फाउंडेशन ज़्यादा पसंद है क्योंकि मेरे स्किन पर कोई भी अगर ज़्यादा फाउंडेशन लगाओ ना तो बहुत ज़्यादा वाइट लगती है, तो इसलिए मैं फाउंडेशन में नहीं अप्लाई करती हूँ। पर ये वाली फाउंडेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे जब भी अप्लाई करना होता है फाउंडेशन मैं इसी को प्रेफर करती हूँ, तो डेफिनेटली आप इस फाउंडेशन को ट्राई कर सकते हो। अब मैं अप्लाई करूँगी कंसीलर, यहाँ पे मैं मेबलिन की कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। मेरे जो भी सेट्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा, सेल भी चल रही है। तो जहाँ जहाँ पर मेरी स्किन थोड़ी डार्क है वहाँ वहाँ पर मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और उसे फिर ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर दे रही हूँ। ब्लेंड करने के टाइम पर आपको ना ब्लेंडर को सिर्फ डैप करके ही ब्लेंड करना है, ऐसे आपको पूरा इधर से उधर मेस नहीं करना है, जस्ट डैप करना है और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और बहुत ही रियल लुक देगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपने मेकअप किया हुआ है, आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस लगेगी। अब जो मेरी आई की लिड की एरिया है ना वो थोड़ी सी डार्क है, इसलिए मैं वहाँ पर भी कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। इससे जो भी आप आई शैडो अप्लाई करोगे ना वो अच्छे से उभर के आएगा, निकल के आएगा। तो ये हो गया हमारा बेस ख़त्म, अब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे लूज पाउडर। तो यहाँ पर मैं स्टे कुर्की की येलो पाउडर यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी पाउडर है, बहुत लाइट है और अच्छे से काम करती है, लाइक बनाना पाउडर है और बहुत ही अफोर्डेबल भी, और इसमें बहुत अच्छी सेल चल रही है स्टे कुर्की में। तो आपको यदि बनाना पाउडर या फिर येलो पाउडर चाहिए तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही अपने पूरे फेस को पाउडर अच्छे से लगा लिया है लूज पाउडर, और ये जो फेस है मेरा बिल्कुल कंसीलर फाउंडेशन सब कुछ अच्छे से सेट हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हो। और ये ऐसा पाउडर है ना बिल्कुल भी पाउडर ही नहीं लगता है, ब्रश से लगाओगे ना तो आपके फेस पे बहुत ज़्यादा पाउडर आ जाता है, पर ब्यूटी ब्लेंडर से ज़्यादा पाउडर नहीं आता है। अब मैं पूरे बेस को सेट करने के लिए यहाँ पे फेसेस कनाडा की सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। फेसेस कनाडा में आई थिंक बाई 2 गेट 1 फ्री है, तो आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। अब सारे मेकअप को सेट करने के लिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर को डैप कर रही हूँ, इससे क्या होगा ना कि मेरी जो मेकअप है वो अच्छे से स्टिक हो जाएगी। अब करते हैं हम आई मेकअप। तो यहाँ पे मैं रूट कॉस्मेटिक की आई शैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और ये आई शैडो पैलेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जस्ट बिकॉज़ ये इसमें ऐसे कलर है ना जो आपको चाहिए होते हैं मेकअप करने में, और ये कलर खास करके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे रस्ट ऑरेंज टाइप की कलर ली है और उसको अपने पूरे लिड एरिया में अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बहुत ही हल्का वाला मेकअप करने वाली हूँ, बहुत ही सॉफ्ट पीची लुक होगा और इसे आप डेफिनेटली किसी भी ओकेज़न पे ना आप इसे वेयर कर सकते हो, जो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। अब मैं उससे थोड़ा सा डार्क शेड ले रही हूँ और उसे सिर्फ अपने आउटर कॉर्नर पे से इनर तक लाऊँगी, पूरे लिड पर नहीं, सिर्फ हाफ लिड पर, आउटर से अपने लिड तक ले करके आऊँगी और उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। और दोनों साइड में हम ऐसा ही कर लेंगे, आप देख सकते हो दोनों डिफरेंट कलर है पर ब्लेंड होने के बाद कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही ओमरे इफेक्ट देता है। तो इसी तरह से हम दोनों आईज़ पे अप्लाई कर लेंगे और उसके बाद आईज़ के नीचे के पार्ट में भी हम अप्लाई कर लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा एक स्मोकी लुक आता है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जो कलर आप ऊपर अप्लाई करते हो उसे हल्का हल्का सा ना नीचे भी अप्लाई कर लिया करो तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी NYV की ब्लिंकिन आई शैडो, ये कलर जो है मेरे ड्रेस से मैच होता है और बहुत ही खूबसूरत सी सॉफ्ट
पीच कलर है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसको सिर्फ आप इसी को अप्लाई कर लो ना तो आपकी जो आईज़ है वो बहुत ही प्रिटी लगती है। और अब मैं इसे अपने अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, पूरे आईज़ को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, तो हमारा जो आई शेडो का काम है वो ख़त्म हो गया है। इतना ईजी थे, बहुत ही ईजी लुक है ये, और डेफिनेटली आप इसको ईजीली कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे स्टे क्विर्की की आईब्रो पेंसिल, और ये लाइट ब्राउन कलर में है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है। मैं इसीलिए लाइट यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे नेचुरल लुक पसंद है। आपको यदि लाइट नहीं पसंद है तो आप इसके डार्क वाली शेड ले सकते हो। ये विथ स्पूली आती है तो काफ़ी अच्छी है, और सेल भी चल रही है तो आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगी, ऐसे ये हैवी अफोर्डेबल। अब मैं यहाँ पर मेबलिन की मास्टर क्रोम हाईलाइटर ले रही हूँ और उसे अपने ब्रो बोन पर अप्लाई करूँगी। इस स्टेप को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अपने ब्रो बोन और अपने इनर आईज कॉर्नर को ज़रूर हाईलाइट करना है, इससे आपको पूरा लुक चेंज हो जाता है। साथ में अपने नोज़ के ऊपर भी अप्लाई करूँगी क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा ना ग्लोई ग्लोई लुक आता है। साथ में लिप में इस तरह से आपके जो भी हाई पॉइंट है आप वहाँ पर से अप्लाई कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे ब्राउन आई पेंसिल ले रही हूँ, ये पर्पल की है, ये पर्पल की न्यू लॉन्च है और ये इतनी ज़्यादा अच्छी, इतनी स्मूथ है और इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड है कि आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए। इसमें काफ़ी सारे कलर हैं और इसको मैं बिल्कुल हल्का हल्का सिर्फ अपने वाटर लाइन पे ही अप्लाई करूँगी, बहुत ज़्यादा मोटी लाइन नहीं, क्योंकि मुझे नेचुरल लुक चाहिए, सॉफ्ट लुक चाहिए, इसलिए यहाँ पे हम कुछ भी हार्श नहीं करने वाले हैं। और उसके बाद ना दोनों आईज के बीच में रख के हम काजल को स्मच करेंगे, जिससे कि हमारे ऊपर वाले लाइन पे भी अच्छे से ये काजल लग जाएगी और काफ़ी अच्छा से एक स्मोकी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो मैं इसी तरह से करती हूँ, मुझे जब भी अप्लाई करना होता है मैं बीच में रख करके उसे अप्लाई कर लेती हूँ। अब मैं अप्लाई करूँगी लोटस की बोटानिकल मस्कारा, और ये मस्कारा की बेस्ट पार्ट ये है ना कि आपको आई लेसेस अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं अप्लाई करती भी नहीं हूँ क्योंकि कि वो बहुत ही ओवर लगने लगता है और मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मैं इस मस्कारा की 2-3 कोट लगा लेती हूँ, जिससे कि मेरी आईज़ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बिल्कुल लगता है कि जैसे आई लेसेस अप्लाई किए हुए हैं। जब भी आप 2-3 कोट अप्लाई करते हो ना किसी भी मस्कारा की, तो वो बहुत अच्छा लुक देती है आपको। तो यह मस्कारा भी हमारा कम्प्लीट हो चुका है और अब हम करेंगे कंटोरिंग। कंटोरिंग के बिना तो बिल्कुल मेकअप अधूरा है मेरा, बिकॉज़ मेरी जो फेस है वो थोड़ी चबी चबी है, तो मैं कंटोरिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हो पाउडर जो कंटोर होता है ना, बहुत ही इजी होता है मेकअप करने के लिए, मतलब बिगनर्स के लिए, या फिर जल्दी जल्दी में मेकअप करें तो बहुत इजी होता है, अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है और ऐसा नहीं कि आपका लुक ख़राब हो जाएगा। स्टिक वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है यदि आपको अच्छे से नहीं आता हो या फिर आपने रॉन्ग कलर चूज़ कर लिया हो, तो उसमें ब्लेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन पाउडर वाला क्या है ना, पाउडर के फॉर्म में होता है तो आप इसे ईजीली अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है। अब मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ ब्लश, ये भी फेसेस की ही नहीं शुगर की ब्लश है, बहुत ही पीच कलर में है और मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत लाइट कलर में है। तो आप इस ब्लश को ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बहुत ही नेचुरल सा लुक देता है। और उसके बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से सबको अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब मैं फैन ब्रश में मेकअप फिक्सर लेकर के हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर में सेम मेबलिन की ही मास्टर क्रोम हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, बहुत अच्छी हाइलाइटर है, ये गोल्ड कलर में है, आप गोल्ड ही कलर लेना और बाकी पिंक विंक कलर बिल्कुल भी मत लेना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, गोल्ड वाली बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से मैंने अपने सभी हाई पॉइंट पर हाइलाइटर को अप्लाई कर लिया है। अब बारी आती है लिपस्टिक की, तो लिपस्टिक में यहाँ पर NYB शक्ति की अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि मेरे ड्रेस से मैच होती है और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसको मैं हल्का सा अप्लाई करके ना पूरे स्मज करूँगी अपने लिप्स पे, मैं बहुत ज़्यादा लिपस्टिक नहीं अप्लाई करूँगी क्योंकि मुझे हल्का सा कलर चाहिए था। मतलब इस तरह से अप्लाई करने से क्या होता है ना, आपके लिप्स बहुत ही नेचुरल लगते हैं, आप लाइनर वाइनर लगा के बिल्कुल सेप दो लिप्स को तो वो थोड़े से दूसरे टाइप के लगते हैं, लेकिन ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा लाइट कलर ले रही हूँ, डिफरेंट कलर है ये, थोड़े लाइट शेड में है, और उसे सिर्फ अपने लिप्स के बीच वाले पार्ट में अप्लाई करके ऊपर और नीचे उसे फिर से स्मज कर दूँगी। तो इससे बहुत ही खूबसूरत सा न्यूड प्यारा सा ओमरे कलर निकल के आता है। बस अब हमारा मेकअप रेडी है, मैं आपको सामने से दिखा देती हूँ, कुछ इस तरह से किया है मैंने मेकअप। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, कैसा लगा मेकअप लुक बताइएगा ज़रूर, और बस बताना कैसा लगा। मैं इसी तरह से मेकअप करती हूँ और मैंने सोचा था कि मैं बालों को कर्ल करूँगी, लेकिन जैसे जैसे कर रही थी ना, जिस तरह से बालों से हीट निकल रही थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा और मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ एक मेकअप लुक के लिए मैं नहीं करने वाली हूँ अपने बालों को डैमेज, और मैंने छोड़ दिया। तो यहाँ पर मैंने बिंदी लगा ली और उसके बाद इयररिंग्स पहन लिए और चूड़ियाँ भी पहन रही हूँ। चूड़ियाँ मुझे मिल गई थोड़ी मैचिंग मैचिंग, तो मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं चूड़ियाँ भी।
और ये मेरे ड्रेस के मैचिंग चूड़ियाँ हैं, तो मैंने गोल्डन के साथ मिक्स करके पहन लिया। इयररिंग भी सेम मुझे मिल गई थी। तो ये है मेरा फाइनल लुक। ये फर्स्ट लुक है जो मैंने लाइट कलर के आउटफिट के साथ क्रिएट किया है। तो इस आउटफिट के साथ आप इस तरह के, मतलब लाइट कलर के साथ इस तरह के सॉफ्ट लुक आप क्रिएट कर सकते हो जो बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये है आउटफिट की फुल डिटेल, मतलब ये एक ए लाइन कुर्ता विथ प्लाजो एंड दुपट्टा का सेट है। यदि आपको स्टॉक में मिल जाए तो आप ले सकते हो, बहुत ही लाइट कलर में है। एंड ये मेकअप मैंने दोपहर में 2 बजे किया था, बट मुझे फ़ोटोज़ अच्छी नहीं मिली थी। तो जब रात में नितेश आए, यानी कि मेरे हस्बैंड, तो उनसे मैंने फिर पिक्चर क्लिक करवाई थी, तब तक मैंने मेकअप नहीं रिमूव किया था। तो आप देख सकते हो ये रात तक मेकअप थी, मतलब 8 घंटे से ज़्यादा ये मेकअप आपके फेस पे थी, बिल्कुल भी कोई टचअप नहीं किया है मैंने। तो डेफिनेटली आप इस तरह से मेकअप करोगे तो आपका मेकअप बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा, बिल्कुल भी केकी नहीं होगा। सो ये सारे स्टेप फॉलो करके आप मेकअप कर सकते हो। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जिसमें मैं थोड़ा डार्क मेकअप करने वाली हूँ, मतलब थोड़ा ब्राइट मेकअप, ब्राइट लिपस्टिक यूज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिपस्टिक का कलर चेंज कर दिया है। मैंने कोशिश किया है कि मैं जो मेरे ड्रेस का कलर है ना, जिसमें पिंक कलर है, उस कलर की लिपस्टिक को चूज़ किया है। लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आइज़ के ऊपर मैं लगा रही हूँ गोल्डन ग्लिटर, क्योंकि डार्क कलर की लिपस्टिक के साथ ना अगर ग्लिटर अप्लाई करो तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब ऐसा लुक आप घर पे तो नहीं करने वाले हो, पर मैंने सोचा चलो इसके साथ क्रिएट करके दिखा देती हूँ, अगर किसी की वेडिंग वगैरह भी होगी तो आप ट्राई कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर के आईलाइनर लगाया हुआ है, क्योंकि ग्लिटर के बाद लाइनर लगाना ज़रूरी था। और अब मैंने झुमका भी चेंज कर लिया है गोल्डन कलर की, और ये है मेरा फाइनल लुक। तो ये है सेकंड लुक, कितने जल्दी चेंज हो गया ना, सॉफ्ट पीच से बिल्कुल ब्राइट लुक हो गया। और ये मैंने पहना हुआ है एक अंगरखा स्टाइल कुर्ता, ये ब्रांड सेंग्रिया की है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बट स्टॉक में कितनी है कितनी नहीं पता नहीं, मुझे 3 पीस है। अब आप में से कौन पहले जाएगा, कौन पहले बाय कर लेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत शिफॉन की कुर्ता है, जिसमें बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की हुई है और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सिर्फ इसमें कुर्ता है, प्लाजो मैंने खुद का पहना हुआ है और दुपट्टा भी मैंने पहले का लिया हुआ है। तो इसमें सिर्फ आपको कुर्ता ही मिलती है, और ये काफ़ी ज़्यादा घेरे वाली कुर्ता है, बहुत अच्छे से एम्ब्रॉयडरी की हुई है। तो मुझे ये कुर्ता काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी। इसको मैंने लिया था आई थिंक मार्च में, लेकिन जब मैंने लिया था उसी टाइम से सोल्ड आउट थी, इसलिए मैंने किसी वीडियो में ये नहीं दिखाया है। पर अभी ये कुछ पीसेस स्टॉक में अवेलेबल है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।